टू अनदर सेशन ऑन सी एंड बिलीविंग दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ इन मैथमैटिक्स या फिजिक्स कह लें क्योंकि तो ज्यादातर यूज हमने इसका फिजिक्स में देखा है बट एक्चुअली ये मैथमेटिक्स का एक हिस्सा है और वो है ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन आपको मालूम है एक वैक्टर क्या होता है और वेक्टर का प्रयोग हम कैसे फिजिक्स के विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं तो उसका जो बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है एडिशन और ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स का जिसका नाम है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो आज हम इस जियोजिब्रा ज्योमेट्री टूल के जरिए दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं ना ही केवल ये हम मैथमेटिक्स के एंगल से बट अगर आप मैं इसमें टूवर्ड्स दिखाऊंगा आपको कि कैसे इसी माध्यम से आप आर्ट भी कर सकते हैं सो इज इट फैसिनेटिंग दैट मैथमेटिक्स के एक टूल से हम आर्ट की भी चर्चा कर सकते हैं डिफरेंट डिज़ाइन की बात कर सकते हैं तो आपको मालूम होगा कि जितने भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर होते हैं आपको मालूम होगा फ़ोटोशॉप या कोरल uh, ड्रॉ पहले हुआ करता था अभी भी है और जितने भी अदर ग्राफिक सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें uh, मूलतः जो है वो मैथमेटिक्स ही बैकग्राउंड में होता है क्योंकि सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या वेक्टर एलजिब्रा uh, कह लें या कैलकुलस कह लें सारे इन्हीं नियमों के प्रयोग से ही हम उन सॉफ्टवेयर की रचना करते हैं तो मैथमेटिक्स और इन अ वे आर्ट इज वेरी डीपली लिंक्ड सो उसकी भी चर्चा हम करेंगे तो पहले जान लेते हैं कि ये वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ़ वेक्टर एडिशन है क्या तो जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ए बी एक वेक्टर है और बी सी दूसरा वेक्टर है जो 44 डिग्री के एंगल पे ए बी से इंक्लाइंड है तो जो इसका रिजल्टेंट होगा बी सी हमें पता है इज गिवन बाई ए सी तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ए बी एक वेक्टर BC दूसरा वेक्टर अगर एक ट्रायंगल के दो पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट या सम जो होगा वो रिप्रेजेंट होगा ट्रायंगल के तीसरे साइड से राइट सो यू कैन सी हियर आर द टू वेक्टर्स हि सम और रिजल्टेंट इज गिवन बाय ए सी नाउ यू कैन सी द वैल्यू ऑफ अल्फा इन दिस केस इज फॉर डिग्रीज

तो इन दोनों का जो सम है रिजल्टेंट वो रिप्रेजेंट करेंगे जोमेट्रिकली ए सी से सो ए सी का जो भी लेंथ होगा वो रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों वेक्टर ए बी और बी सी के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को ओके एंड द एंगल विच इज देयर हियर फाइव ये फाइव जो एंगल है वो जो रिजल्टेंट वेक्टर है ए सी और जो फर्स्ट वेक्टर था ए बी उसके बीच का है तो आपको पता है कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो क्वांटिटीज की जरूरत होती है वन द मैग्नीट्यूड एंड द सेकेंड इज डायरेक्शन सो मैग्नीट्यूड तो लेंथ से मिल गया आपको और डायरेक्शन उस एंगल से मिल गई तो हेंस ये हो गया आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन विच अ वेक्टर इन एन ऑर्डर देन द थर्ड साइड अगेन इन द सेम ऑर्डर विल रिप्रेजेंट द द सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इट इट सो अभी आपको दिखाएं ये जो स्क्रीन के दाइने साइड में इतना सारा फॉर्मूला लिखा है आखिर ये है क्या तो ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी और लेंथ ऑफ ए सी सो यू कैन सी

बी सी वैक्टर के माध्यम से रिप्रेजेंट किया है और फॉर्मूला आपको पता है आपने इसकी पढ़ाई ऑलरेडी कर रखी है तो यहाँ पे जो ब्रीफ में फॉर्मूला दिया हुआ है ए सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए सी दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर ए सी इज अंडर रूट मॉड ऑफ ए बी स्क्वायर दैट इज इस ए बी का लेंथ का स्क्वायर प्लस इस बी सी के लेंथ का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी एंड बी सी के लेंथ into the cost of angle between a b and b c which is 44 degrees given by alpha or theta whichever way you can say it alpha is theta in this case so you can you can get what is the magnitude of ac secondly the phi the angle between the resultant and the first vector is phi you can clearly see tan phi is c e upon a e so i've not shown those calculations I have not shown those calculations लेकिन ये बहुत बड़ी चीज नहीं है और आपको मिल जाएगा ये वैल्यू फाइव uh, की इस केस में 16.74 तो क्या होता है अगर मैं इस पॉइंट सी को चेंज करूं तो अभी मैं इसको चेंज कर रहा हूं और ये डिपेंडिंग अपॉन ए और बी और एंगल क्या है यू कैन हैव डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस एंड पोजीशंस फॉर द वेक्टर्स एंड यू कैन सी कैसे वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो ये तीनों फैक्टर पर डिपेंडेंट है आप देख सकते हैं जैसे अगर मैं ए को मूव करूं तो कैसे ए सी की वैल्यू और फाई की वैल्यू चेंज हो रही है स्क्रीन पे आपको दिखेगा उसी अनुसार अगर मैं बी को चेंज करूं तो भी आपको दिखेगा कि ए सी की वैल्यू और फाई की वैल्यू चेंज हो रही है और सेम वेज अगर मैं थीटा को चेंज करूं तो भी ये चेंज होता है अब मजेदार बात यह है कि अब हम इससे कुछ डिजाइन बनवाएंगे ओके सो दैट्स अब यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और So, खते हैं ये डिजाइन आखिर बनेगा कैसे और क्या है ये डिजाइन में तो लेट्स मैं क्या कर रहा हूं कि इसका trace on करके मैं एनिमेट कर रहा हूं तो देखें क्या बनता है तो ये बन रहा है एक नया डिजाइन हिस्स और जैसे जैसे ए और बी और सी की वैल्यू चेंज हो रही है आपको दिखेगा एक कुछ नया पैटर्न इमर्ज होता हुआ सो दिस इज इंटरेस्टिंग ये काफी दिलचस्प है और आप देखेंगे एक नया पैटर्न उभरता हुआ आपके स्क्रीन पे वो क्या है वो पॉइंट सी का ट्रेस है सो एक चीज तो आप आ, देख रहे होंगे इसमें कि ये एक सिमेट्रिकल डिजाइन उभर के आ रही है राइट सो so हिंस अगर मैं इसको चेंज करूं तो ये आप इस रिपीट मोड में ऑसिलेट करता रहेगा और आपको इस डिजाइन के और डीपर डिटेल्स दिखाई देना चालू करेंगे सो so, ये एक आपको यू नो दिख रहा होगा कि कैसे ए बी और थीटा को चेंज करते हुए वी कैन गेट अ वेरी यू नो डिफरेंट टाइप ऑफ यूज ऑफ वेक्टर एल जेबरा इज इट तो हम एक डिजाइन भी उकेर पा रहे हैं यहाँ पे सो so, ये तो हो गया एक पैटर्न अगर देखिए मैं इसको अभी स्टॉप करके फिर से एक नए नई कोशिश करता हूं और लेट्स चेंज दी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी ऑल टूगेदर एंड थोड़ी सी साइज में वेरिएशन इधर लाता हूँ ताकि ये स्क्रीन के अंदर ही सारा कुछ या yeah. चलिए ये देखें इस केस में कैसा डिज़ाइन बनता है ये भी लाजवाब हो सकता है चलिए देखें ये भी अगर आप देखें अगेन इसमें फिर से आपको सिमेट्री दिखेगी क्यों क्योंकि ये ऑसिलेटरी सिस्टम है ये चेंज होता रहेगा तो यहाँ देखिए एक नया डिजाइन उभर के आ रहा है इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि लेफ्ट साइड ऑफ दी स्क्रीन पे कैसी डिजाइन बनती है ये देखना दिलचस्प होगा और आप देखिए अगेन इस केस में भी एक बहुत ही सिमेट्रिक फिगर बन के उभर के आ रही है राइट सो so, एक और अटेम्प्ट लेते हैं और इसे थोड़ा वेरिएशन और देते हैं और देखें कि ये डिजाइन आखिर बनेगी क्या ओके सो लेट्स सी दिस एंड अगेन सो मैं फिर से इसमें थोड़ा वेरिएशन लाया हूं तीनों पैरामीटर में और ये फिर से एक डिफरेंट डिजाइन की तरफ रुख करता हुआ इंटरेस्टिंग ये होगा देखना कि क्या ये कोई रिकग्नाइजेबल शेप दे पाता है तो ये भी अगर आप देखें फिर से एक सेमिट्रिक फिगर बनने जा रहा है वो तब पता चलेगा जब ये कंप्लीट या सो अगर आप देखें नाउ सो इट्स अगेन वेरी वेरी सिमेट्रिकल फिर से सिमेट्रिकल फिगर या दो पत्तों की तरह दिख रहा है राइट right? एक डिज़ाइन uh, बनता हुआ सो so, uh, uh, आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैथमेटिक्स की वजह मदद से कैसे हम डिज़ाइन uh, के फील्ड में भी काम कर सकते हैं सो so, जितने भी डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर्स हैं जो uh, जो यूटिलाइज होते हैं डिफरेंट डिज़ाइनिंग के लिए और फॉर दैट मैटर इवन गेमिंग के लिए जो भी यू नो आप सॉफ्टवेयर का नाम सुने होंगे यूनिटी या ब्लेंडर जो भी ये सारे ग्राफिक्स के बेसिस पे काम करते हैं और ग्राफिक्स के पीछे जो बेसिक काम है वो मैथमेटिक्स का है तो दोस्तों अगर आप इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बिना मैथमेटिक्स के तो होगा नहीं तो इस ये अच्छी बात है कि uh, अगर आप मैथमेटिक्स में दिलचस्पी लगाएं और ये आ, बहुत ही आपके लिए आसान काम हो जाएगा तो उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और ये भी कि वेक्टर्स की मदद से कैसे हम डिज़ाइन उकेर रहे हैं अपने स्क्रीन पे। हो सकता है आ, अगर आप दिलचस्पी रखें इसमें तो आप भी ये डिफरेंट सिमुलेशन जियोजेप्रा जियो जियो पे कर सकते हैं ये फ्री सॉफ्टवेयर है इसे सीखें और देखें कैसे मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस And uh, we'll come back again with another explanation, another simulation, and let's see if we have some relationship. That, though we believe, or I believe that there is, but for you also uh, to believe, we have to come with more explanation as into how mathematics is very closely linked to our day-to-day -day life. Thanks for watching. See you and bye-bye.